नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अपूर्व पांडे है। फाइनल कट प्रो एक्स ट्यूटोरियल के आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग फुटेज में मास्किंग कर सकते हैं। दोस्तों, मास्किंग एडवांस वीडियो एडिटिंग में आता है। अगर आपको अपनी फुटेज में से किसी अनवांटेड पार्ट को रिमूव करना है, या फिर आप किसी पोर्शन को कटआउट करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं अपनी फुटेज में, तो इन सब चीज़ों के लिए आप मास्किंग का सहारा या मास्किंग को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली दोस्तों, अगर आपको अपनी फुटेज में से बैकग्राउंड को रिमूव करना होता है, तो आप लोग ग्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग क्रोमा कीइंग भी कहते हैं। क्रोमा कीइंग के बारे में हम लोग एक डिफरेंट लेक्चर में और अच्छे से जानेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग मास्किंग का बेसिक यूज़ सीखेंगे। यहां पर आप एक फुटेज देख रहे होंगे, इसको प्ले करके देखते हैं। अब अगर मैं आपको इसकी ओरिजिनल फुटेज दिखाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके की थी। आप देख सकते हैं क्लाउड काफी स्टिल है, और यहां पे मैंने क्लाउड को रिप्लेस करके क्या किया है, एक नई फुटेज डाल दी है जिसमें मेरे क्लाउड्स मूव कर रहे हैं और ये काफी अच्छा भी लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए अगर आपको इस तरह के अपने वीडियोस में चेंजेस करने हैं तो आप मास्किंग का यूज करेंगे। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से मास्किंग को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इफेक्ट पैनल में यहां पर आप मास्क का एक ऑप्शन देखेंगे जो बाय डिफॉल्ट आपको फाइनल कट प्रो एक्स के इफेक्ट ब्राउजर में मिलता है, या फिर आप यहां पर से सर्च करके मास्क टाइप कीजिए, आपके सामने ये मास्क के इफेक्ट्स आ जाएंगे। अब क्या करना है आपको, यहां पे आप ड्रॉ मास्क देख सकते हैं, आप इसको ड्रैग करके अपनी फुटेज में ड्रॉप कर दीजिए। यहां पर आप देखेंगे ये जो मेरा इंस्पेक्टर है, यहां पे मेरा ड्रॉ मास्क का टैब ऐड हो चुका है। यहां पर शेप टाइप है आपके पास, आपके पास ओपेसिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं मास्क की, आप मास्क को इन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही फेदर कर सकते हैं, फॉल ऑफ कर सकते हैं, या फिर अपने मास्क को आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। दोस्तों, शेप टाइप में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, बीजियर का ऑप्शन है, आपके पास लीनियर का ऑप्शन है, बी स्प्लाइन का ऑप्शन है, तो एक एक करके देखते हैं। अगर आपको स्ट्रेट लाइन करना है तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पर प्रीव्यू स्क्रीन में देख रहे हैं क्लिक टू ऐड अ कंट्रोल पॉइंट आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब यहाँ पर आपका पेन टूल बना आ चुका है। जिन जिन लोगों को फोटोशॉप आता होगा वो इस पेन टूल को समझते होंगे कि पेन टूल का क्या यूज़ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट को सेलेक्ट करना है, फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने लीनियर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो पेन टूल है ये एक स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। अब देख सकते हैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन बन रही है आपकी। इसको अंडू करते हैं कमांड जेड से। अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन की जगह पे कर्व चाहता हूं तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं यहां पर से बीजियर को सेलेक्ट करूंगा, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर मैं जैसे ही यहां पे क्लिक करूंगा मैं माउस को होल्ड करके माउस को स्लाइड करूंगा, तो आप देख सकते हैं मेरा कर्व आ चुका है। ऐसे ही मैं दूसरे पॉइंट पे जाके आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब अगर मैं इस हैंडल को हिलाऊंगा, आप देख रहे हैं इस हैंडल को हिलाने से भी मेरा ये हैंडल में चेंजेस हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरा एक ही हैंडल मूव करे, या सपोज इस तरह का है और मैं यहां पर से हैंडल कर रहा हूं, आप देख रहे हैं दोनों तरफ से मेरा कर्व चेंज हो रहा है। अब मैं चाहता हूं सिर्फ मेरा एक ही तरफ से ये हैंडल एक्टिव रहे, दूसरा डिसेबल हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन प्रेस करूंगा और अब मैं सिर्फ एक ही हैंडल को हिला सकता हूं और एक ही कर्व को चेंज कर सकता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस फुटेज को मास्क करते हैं, इसको अंडू करते हैं। तो मास्किंग करने के लिए आप क्या करिए, आप सबसे पहले अपने ये जो प्रीव्यू है इसको जूम कर लीजिए। जूम करने से क्या होगा, आप काफी प्रिसाइसली अपने ये जो पेन टूल से आप पॉइंट्स को ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक ये छोटा सा
दिख रहा होगा, यहां पर से आप इसको क्या कर सकते हैं, आप ऐसे इसको जूम कर सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट में ले जाना है, आप इसको लेफ्ट में अपने माउस को ड्रैग कर दीजिए। अगर आपको राइट में ले जाना है, तो आप अपने माउस को राइट में ड्रैग कर दीजिए। तो अब यहां पर हम लोग ऐड करते हैं पॉइंट, आप ये प्लस का साइन देख रहे हैं। तो ये चीज आपको दोस्तों काफी प्रिसाइजली, जितना प्रिसाइजली करेंगे उतने अच्छे से आप लोग बैकग्राउंड को रिमूव कर पाएंगे। अभी मैं आप लोगों के सामने ये थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, तो मैं इस तरीके से आप देख रहे हैं मैं पॉइंट्स को ऐड करता हुआ जा रहा हूं। यहां पर मैंने कुछ जगह भी छोड़ी है, ये मैंने इसलिए छोड़ी है कि अगर मैं फेदर करूंगा तो ये मेरी जगह कवर अप हो जाएगी। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग फेदर करेंगे। तो मैं इस तरीके से पॉइंट्स को ऐड करता रहूंगा। दोस्तों आप लोग इसको काफी अच्छे से कीजिएगा, अभी तो मैं इसको आपको सिखाने के लिए इसको रफ कर रहा हूं। तो इस तरीके से मेरा पॉइंट ऐड होते जा रहे हैं। अब क्या करूंगा मैं, जैसे मेरा यहां पे पूरा हो चुका है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, मैं इसको बाहर क्लिक कर दूंगा। आप बाहर भी इसको ऐसे क्लिक कर सकते हैं। अब क्या करना है, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है उससे मुझे अपने एंड एंड जो मेरा पॉइंट है उसको मिलाना है। तो ये जैसी मेरा एंड पॉइंट है, तो जैसी मैं एंड पॉइंट पाया, तो आप देखेंगे जो मेरा एट की जगह पर अब मेरा ये सर्कल बन चुका है पेन में। और इसको मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मेरा मास्क हो चुका है। अब क्या करना है मुझे, मुझे इन्वर्ट मास्क को मैं सेलेक्ट करूंगा। मैं यहां पर से इन्वर्ट मास्क करता हूं, तो आप देखेंगे मेरा ये वाला पोर्शन कटआउट हो चुका है। ये ब्लैक जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट बन चुका है। इसकी जगह पे अब मैं जो भी फुटेज इसके बैकग्राउंड में डालूंगा, इसके नीचे डालूंगा, वो मेरे यहां पर शो हो जाएगी। देखते हैं कैसे। इसको अगर मैं यहां पर स्काई से रिप्लेस करता हूं, तो मुझे क्या करना है, मुझे स्काई को इसके नीचे डाल देना है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा स्काई रिप्लेस हो चुका है। इसको प्ले करते हैं। यहां पर से आप क्या कर सकते हैं, अब आप थोड़ा फेदर कर सकते हैं, आप फॉल ऑफ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो स्केलिंग कर सकते हैं, इसको फिर से प्ले करके देखते हैं। तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपका क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मास्किंग कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो आपकी ये जो स्काई है इसको रिफ्लेक्ट, इसको नीचे यहां पे पानी में रिफ्लेक्शन का भी इफेक्ट दे सकते हैं। वो कैसे देंगे, आपको क्या करना है, आप स्काई को फिर से सेलेक्ट कीजिए, इसके ऊपर ले आइए। अब आप क्या करेंगे, आप इसको स्केल कर दीजिए -100, तो ये नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इसको पोजीशन को चेंज करिए, इसको थोड़ा स्केल करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दूंगा। मैं वापस से मास्क ड्रॉ करूंगा इसके ऊपर, और यहां पर से मैं मास्क को ऐड करूंगा। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, और यहां पर मैं इसको जैसे ही करूंगा, आप देख सकते हैं मास्क हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इन्वर्ट मास्क पे यहां पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा फेदर कर दूंगा, फॉल ऑफ बढ़ा दूंगा, और थोड़ा सा मैं इसकी स्केल को बढ़ाता हूं। इसको प्ले करके देखते हैं, इसको फिट करते हैं। इसको प्ले करते हैं, तो आप देख सकते हैं नीचे रिफ्लेक्शन आ गया है।
तो अभी ये मैंने आपको थोड़ा सा रफ करके दिखाया है दोस्तों, आप अगर इसको बहुत प्रिसाइजली करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। एक और देखते हैं, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक फूल है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट करते हैं। जनरेटर्स में जाके मैं बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करता हूँ, अगर सपोज इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे ले आया। अब मैं इसके बीच में यहाँ पर ये फूल चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा? तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं शेप मास्क को सेलेक्ट करके, यहाँ पे मेरे पास ये शेप मास्क का जो मेरे पास इफेक्ट है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। आप देखेंगे कि ये शेप मास्क आ चुका है, इसको मैं इन्वर्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड बन चुका है। अब इसके नीचे मैं ये जो मेरा फ्लावर है, इसको मैं जैसे ही यहाँ पे लेकर आऊँगा तो आप देखेंगे ये जो मेरा फूल है वो यहाँ पे मास्क में आ चुका है, उसकी मास्किंग हो चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप काफ़ी सारे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर से ये जो नीचे आपका बैकग्राउंड है इसको स्केल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर से ये जो मास्क है इसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पर से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है मुझे आपको मास्किंग क्या होती है उस बारे में समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।